नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। इंडिया लाइव न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने आसपास की खास खबरें देखें सबसे पहले इंडिया लाइव न्यूज पर। माह नवंबर से हम लोग जनपद में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें कुल 57 लोगों की नवंबर माह में गिरफ्तारी हुई है और करीब 17-18 किलो डोडा और चरस हम लोगों ने रिकवर किया और करीब 1.5 किलो स्मैक हम लोगों ने नवंबर में रिकवर किया था। इसमें कुल 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। तो इसी अभियान के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में थाना सरसावा पुलिस और हमारी जो स्वाट और सर्विलांस की टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से करीब 566 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी करीब 1 करोड़ कीमत बताई जा रही है। 2 इनके साथी जो ग्राम झवीरन थाना सरसावा के रहने वाले हैं, वो मुठभेड़ में भागने में सफल रहे, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा के उनके ऊपर जो भी अवैध रूप से उन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई हुई हैं, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। चूंकि ये बहुत अच्छा गुड वर्क है, इसमें बरेली से आने वाला जो सोर्स है, सोर्स से आने वाले लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में स्मैक इसमें रिकवर हुई है, इसलिए टीम को उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इसमें रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। सर, इन अभियुक्तों के साथ में एक महिला अभियुक्त भी है, उसका क्या बोल है इस पूरे मामले में? इसमें बताया जा रहा है कि महिला अभियुक्ता का प्रमुख रोल है इसमें है। वो भी मुख्य रूप से, ऐसा नहीं है कि केवल साथ में आ गई थी, उसका प्रमुख रोल है इस व्यवसाय में और ड्रग तस्करी। इसमें हम लोगों ने बरेली के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके हम लोग इंटरवेंशन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि वहां पर भी लोकल स्तर पर भी गिरफ्तारियां उसमें काफी हो रही हैं, जनपद बरेली में भी, तो और बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा तो और बेहतर अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहेंगे।